मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे किया था, एक फोटोशूट भी किया था। तो इस वीडियो का जो स्टार्ट है मैं फोटोशूट पे कर रही हूँ, कि जिस तरह मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं अपना अगला व्लॉग करके बाहर रिकॉर्ड करने वाली हूँ। मैं आई हुई हूँ आउटडोर फोटोशूट करने, जो किया है मैंने इलियास के लिए। इलियास अल्लाबख्श आप जानते तो होंगे, व्लॉगर है वो भी। उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले मिलेगी, जाके आपने लाजमी उनका चैनल सबसे पहले चेक करना है। और एक और शख्स जो मेरे व्लॉग में दोबारा एक दफा नजर आ रहा है वो है हमारे सागर साहब। ये मेरे पिछले फोटोशूट में भी साथ थे। ये राशिद है, अगर नहीं जानते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका भी। क्या कहते हैं उसे, कॉन्सेप्ट वाली फोटोग्राफी, कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी, वो बहुत ही बेहतरीन करते हैं। साहब को तो आप यकीनन जानते होंगे, इलियास अल्लाबख्श। हमने फोटोशूट किया, 3 से 4 लोकेशंस पे हम गए हैं अभी तक। सेकेंड लोकेशन था जिसमें ये लांकी पहनी है, पूरा डिफरेंट लुक आया। हमारे यहाँ का शूट खत्म हो गया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर मेरी आवाज साफ नहीं आएगी, तो मैं घर जाकर रिकॉर्ड करती हूँ। इससे पहले यकीनन मैंने अपने ब्लॉग्स के लिए शायद कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, कोई ना कोई इशू मुझे रहा होगा, लेकिन आज जितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रही हूँ ना ईद का व्लॉग बनाने, ईद की शॉपिंग का व्लॉग बनाने के लिए, उतना मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। सबसे पहले मैंने आज तक कभी जन्नत बाज़ार के अंदर कोई शॉट नहीं लिया, इस डर से कि वहाँ पर औरतें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी अपनी नींद नहीं ख़राब की। नींद जो है मुझे अपनी बहुत प्यारी है। बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के बाज़ार जा रही हूँ। इस वक्त बाज़ार की दुकानें भी नहीं खुली होती हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ कि जैसे जैसे दुकानें खुलेंगी मैं अपने शॉर्ट्स लेती रहूँगी। मुझे पता है मैं नींद में लग रही हूँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी हूँ, बहुत नींद आई है। जन्नत बाज़ार के अंदर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन इस वक्त दुकानें सारी बंद रहती हैं। मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ कोई ना कोई बाइक गुजरती है, या तो लोग जमा हो जाते हैं। इस टाइम ये कि औरतें भी बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया था कि इस टाइम आज मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ जन्नत बाज़ार की। अच्छा, मैं ज़्यादा दुकानों में तो नहीं जाने वाली, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रश भी होती जाएगी। मैंने बस स्प्रे लेने हैं, 2 जोड़ी बलूची ड्रेसेस लेने जो तैयार मिलते हैं, वो अभी हम कुछ शॉर्ट्स लेंगे यहाँ पर, बाकी दुकानों के जो खुल रहे हैं उसके बाद जो है मैं अपनी प्रॉपर ईद की शॉपिंग जो है स्टार्ट करूँगी। बचपन से लेकर अब तक बलोची कपड़े मैंने कहीं से लिए हैं तो वो शहबाज भाई की दुकान है। अम्मी होती थी, अम्मी के साथ भी मैं यहीं आती थी, अम्मी के बाद भी मैं यहीं पे आती हूँ, और किसी दुकान में मैं जाती नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर आप ग्वादर में रहते हैं तो मेरे कहने पर इस दुकान में लाजमी आके शॉपिंग करें। ये शहबाज भाई का कार्ड है, किसी को नंबर चाहिए तो वो देख सकता है, कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है। ग्वादर में है तो बहुत ईजी आप ले सकते हैं। ये इनका नंबर मेंशन है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। किसी को भी बलोची कपड़े चाहिए हो तो वो यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। ये कर दें, हाँ
हाँ एक पर्पल हो गई। इस पे कौन सी चादर अच्छी लगेगी? ये सादी लगेगी ना, बहुत सादा बहुत अच्छी लगेगी। ये देखते हैं कौन सा कलर निकालो इसमें, ये मैच कर रही है, इस पे बहुत अच्छी लगेगी। वैसे चले ये पैक कर दे। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कर ली है, मैंने सिर्फ कपड़े लिए अभी तक, भी और सामान वैसे लेना है, लेकिन कपड़े हो गए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वैसे हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने तकरीबन मैंने लिए 5 जोड़ी, 2 मेरी ईद के हैं और बाकी 3 जो है वो मैंने नॉर्मल लिए, क्योंकि इस पूरे नए साल में मैंने कपड़ों की शॉपिंग नहीं की। मैंने 5 जोड़ी लिए हैं, खुश हूँ बहुत कि मैंने काफ़ी अर्से बाद काफ़ी अच्छी शॉपिंग की।